बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद सफदर आज़मी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बीमारों को शफा कामिल अजला नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मोहतरम, अब जो मैं आप हजरात के सामने नुस्खा पेश करने लगा हूँ, ये है मुकव्वी बा है, मुकव्वी बदन है, यानी बदन को ताकत देने के लिए, बा को ताकत देने के लिए, और गुर्दा मसाने के लिए मुकव्वी है। इंतशार बेहतरीन लाता है, सूरत अंजाल का खात्मा करता है और मुफर्रक कलब है। लाजवाब नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है, आप हजरात के सामने पेश कर देता हूँ मुख्तसर मुख्तसर। तो जो इसमें अद्वियात इस्तेमाल होंगी वो नोट कर लें। आपने लेना है जी जदवार खताई, एक नंबर लेना है। ये आपने 25 ग्राम लेनी है। रेगमाही नर अच्छी क्वालिटी की 25 ग्राम। मोस्टली सफ़ेद जो है इंडिया वाली वो लेनी है आपने, एक नंबर 25 ग्राम। और सलाजी जो है ये भी खालस मुहैया करनी है आपने, एक नंबर लेनी है 25 ग्राम। इसके बाद जनाब इस नुस्खे में जो इस्तेमाल होगा, मुसब्बर लेना है आपने 15 ग्राम। कुश्ता नुकरा चांदी का कुश्ता जो होता है 10 ग्राम आपने वो डालना है, और कुश्ता मरजान ये भी 10 ग्राम डालना है। तो ये अज्जा जो हैं ये तो होगा मुकम्मल। इनको अच्छी तरह बारीक करके आपने, जितना बारीक होंगे उतना बेहतर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बारीक करके अच्छी तरह इनको मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करके तो इसकी गोलियां आपने बनानी है। थोड़ा पानी डालें, पानी डाल के गूंद लें, आटा बन जाएगा जो, उसको गूंदेंगे तो गोलियां बनाने को बन जाएगा। गोलियां बनानी है आपने चने के बराबर, आपने गोलियां बनानी है नखुदी। गोलियां बना के आप महफूज कर लें, सुखा के अच्छी तरह इनको महफूज कर लेना है। अब इनको खाना कैसे है जी, एक एक गोली जो है तीन टाइम आप खाएं, सुबह दोपहर शाम, खाने के बाद खानी है, कम से कम एक घंटा बाद, एक घंटा बाद आप गोली खाएंगे। और बेहतरीन तो है कि अगर हो सके तो मौलहम आता है, ये दवाखाने सारे बनाते हैं अच्छे जो हैं, वो ले लें, उसके साथ इस्तेमाल करें। नहीं तो घर में जो यखनी बनती है वो इस्तेमाल करें, उसके साथ इस्तेमाल करें। ये भी नहीं हो सकता तो आप ऐसा करें कि कहवा बना के ना, लौंग और दालचीनी डाल के कहवा बना के उसके साथ एक एक गोली तीन टाइम लें, और इंशाल्लाह बेहतरीन इसमें फ़ायदे हैं। बेहतरीन नुस्खा, मशहूर और मारूफ जो है ना, ये मशहूर ज़माना है इसको कहें, वो नुस्खा है। तो बेहतरीन फ़ायदा जिस्म की दर्दों के लिए बेहतरीन है। आम जो ये पट्ठों में दर्द होती है ये, और कमर दर्द है, या जो अमूमी दर्दें होती हैं ना, सर्दी की वजह से दर्द हो जाता है, उसके लिए बेहतरीन है। और ताकत के लिए तो लाजवाब बेमिसाल नुस्खा है। मुकव्वी बदन, गुर्दे मसाने को ताकत देता है। ये बनाएं ज़रूर, ख़ास तौर पर जो 40 साल से ऊपर वाले बंदे हैं उनके लिए बेहतरीन है, और जवानों के लिए इतना नहीं, उस जो ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए ज़्यादा मुफीद है। तो इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें ये जो है ना कुश्ता जात, कुश्ता नुकरा और कुश्ता मरजान जो है, ये किसी अच्छे दवाखाने के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आप हकीम हैं और या मतलब है कि बना सकते हैं तो फिर तो आप बना लें खुद, वो सबसे बेहतर है। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो अच्छे किसी भी दवाखाने के लेके तो वो इस्तेमाल कर लें, वो बेहतरीन है। जो अच्छे दवाखाने हैं ना, हमदर्द है, करशी, अजमल है, अशरफ लेबॉरेटरी है,
इनमें से किसी के लेके तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतरीन फ़ायदा होगा और बेहतरीन नुस्खा आप हज़रात के सामने पेश कर दिया है। अब आप हज़रात से मैं इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पे अपना फजल करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।